गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। आज अपना कारगिल में लास्ट दिन, यहाँ से अपन निकलेंगे अभी फॉर श्रीनगर। सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट यहाँ से जाके ऐसा ऊपर ब्रेकफास्ट करने जाएंगे अपन। धूप है ना, चश्मा लेके नहीं आया मैं मेरा। और आज है अपनी राइड, देखिए कुछ 250-240 किलोमीटर्स की कुछ राइड है। जो अपनी बाइक में पंगा था वो पता नहीं सॉल्व हुआ है या नहीं, वो तो नीचे चल के देखेंगे। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करने से पहले आप सबका स्वागत कर लेते हैं। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज आयुष मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम नाश्ता क्या करने वाले हैं वो आपको चल के दिखाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आलू पराठा, ब्रेड बटर, चाय। आज थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्या? पोहा, पोहा भी एवर मैं नहीं खा रहा क्योंकि दो दिन से पोहा ही पोहा खा रहा हूँ मैं, इसीलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट इसीलिए क्योंकि आज लंबा राइड है ना, और ब्रेक कब लेंगे अपन? फर्स्ट 50 किलोमीटर्स के बाद, तो फर्स्ट 50 किलोमीटर स्ट्रेच करने के लिए थोड़ा पावर चाहिए, इसके बाद निपटा लेते हैं, फिर आप चले। ओके पीपल, टाइम टू लीव फ्रॉम हियर। टाइम अपडेट 8:03, लगेज लोड हो गया, बैकअप वहीकल पे, टीटी पे। धूप बहुत है यार, चश्मा भूल गया मैं मेरा। अभी मैं गियरअप हो जाता हूँ क्योंकि राइडर्स सारे रेडी है, खाली अपन ही गियरअप नहीं हुआ। और ये अपनी डनो जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया है, उसकी कहानी भी आपको चलते चलते बताते। अरे पीपल, होटल कारवा सराय को अलविदा। ये सारा लाइनअप इधर इधर इधर, और ये बाइक्स दूसरी है, ये हमारे साथ नहीं जा रही। बाकी सब रेडी है, बैकअप व्हीकल भी रेडी है और टेम्पो वाले भी रेडी है। टाइम अपडेट 8:10, अपन निकल रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए। पीपल, अपन निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, और ये वही रास्ता है जहाँ से कल अपन आए थे, एकदम स्टीप वाला। अभी यहीं से पूरा कॉन्वॉय उतर भी रहा है। अभी देखना पब्लिक अपने को कैसी दिखेगी, कल भी ये लोग हमको ऐसे ही देख रहे थे। श्रीनगर 201 किलोमीटर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक छोटी सी समस्या है अपनी। ये बच्चा भाग रहा है स्कूल जाने के लिए। तो समस्या कुछ ऐसी है कि आपको ट्रिप दिख रहा है, ट्रिप हो गया है एफ, मतलब गाड़ी चल रही है रिजर्व में। और ये हुआ इसलिए, पता नहीं मैंने कल बताया था या नहीं, अपनी गाड़ी की जो चाबी है ना वो दूसरी चाबी है, मतलब जो गाड़ी की ओरिजिनल चाबी है वो नहीं है। तो इस चाबी से इसका पेट्रोल टैंक खुला ही नहीं, तो हमने कल इसको रिफ्यूल किया ही नहीं, जबकि इसमें फुल पेट्रोल था। तो अपन ले टू कारगिल तक तो आ गए, पर कारगिल से आगे जाने के लिए अपने को पेट्रोल लगेगा, और अपनी गाड़ी फिलहाल रिजर्व पेट्रोल पे चल रही है। मैंने मार्शल को इन्फॉर्म तो कर दिया है कि गाड़ी रिजर्व पेट्रोल पे आ गई है, एंड ही सेड कि वॉर मेमोरियल जहां हम अभी रुकने वाले हैं वहां पे रुक के इसका कुछ करता ही पड़ेगा। तो लेट्स सी, आई होप कि वॉर मेमोरियल 30-35 किलोमीटर के अंदर ही हो, क्योंकि मुझे पता है हिमालयन का रेंज रिजर्व पेट्रोल पे 30-35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी फिलहाल रिजर्व पेट्रोल पे मैंने 13 किलोमीटर तो खींच दिए गाड़ी। मैं वैसे रिजर्व पेट्रोल पे जल्दी गाड़ी चलाता नहीं हूँ, स्पेशली मेरी थॉर को तो बिल्कुल नहीं, पर अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो वी स्टिल हैव अराउंड 20 किलोमीटर्स मोर का रेंज, 20-25 किलोमीटर्स का रेंज है अपने पास। तो आई थिंक कि उतने में पहुंच जाना चाहिए वॉर मेमोरियल। ऑलराइट पीपल, कारगिल वॉर मेमोरियल, टोटल किलोमीटर्स 51, एग्जैक्ट 51 किलोमीटर्स डन, और रिजर्व पे मैंने गाड़ी को 29 किलोमीटर्स खींच दिया। अब इससे आगे मुझे भी पता है कि हिमालयन नहीं जाएगी, तो चौपेल को बोलेंगे या तो इसको उठा के लेके जा या तो इसमें पेट्रोल डाल दे। इसके ऊपर व्हाइट कलर की पट्टी है, जो व्हाइट कलर की पट्टी है ना, हाँ हाँ, वो है टाइगर हिल, ठीक है। देन सेकंड जो छोटा है वो है विक्रम बत्रा हिल, छोटा शार्प में से ना लास्ट टाइम तो वहीं पे शहीद हुए थे,
टाइगर हिल विक्रम बत्रा हिल। हाँ राइट पीपल, कारगिल वॉर मेमोरियल। इधर लाइन लगा के जाने का। चलते समय रोटेन ट्रैक का इस्तेमाल कीजिए और दाएं बाएं बिल्कुल भी घास के ऊपर नहीं चलना। जगह जगह पर लाल वाला टेप लगा हुआ है ऐसा, उसका क्रॉस करके आगे नहीं जाना। बाहर के एरिया में कहीं भी आप लोग स्टैंडिंग पोजीशन में फोटोग्राफी नहीं कर सकते, ठीक है। डिसेबल्ड है इसका नॉट अलाउड सिटिंग पोजिशन, और जो म्यूजियम है उसका अंदर कोई भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, ठीक है। उसका अंदर जाने से पहले आप लोगों का फ़ोन जेब में डाल के अंदर जाना होगा, और उसमें उसका अंदर जितना भी लगा हुआ सामान को टॉस नहीं करना है, दूर से देखना है, देखना है दूर से पढ़ना है, ठीक है। कारगिल वॉर मेमोरियल डन। ये अपन एक बहुत अच्छी चीज़ ली, ये मैं कहाँ लगाऊंगा आपको पता ही चल गया होगा। इसे जैकेट पे अपन इधर इसको स्टिच करेंगे, इसके पीछे वेलक्रो है। कारगिल वॉर मेमोरियल डन 10:28। अभी अपन यहाँ से 5-10 मिनट में गेयरअप होके निकल जाएंगे। और पीपल, जो हम अभी वॉर मेमोरियल से बाहर आए हैं, हम निकल पड़े हैं जोजिला पास की तरफ। और एक बात बोलना चाहूँगा कि जो ये वॉर मेमोरियल का म्यूजियम है, वहाँ पे अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने अंदर का म्यूजियम आपको नहीं दिखा पाया। पर लेकिन आप यहाँ आओगे तो उस म्यूजियम के अंदर ज़रूर जाना, क्योंकि वो अपने आप में एक इमोशनल जर्नी है। व्हाट इज फ्रीडम आपको पता चलेगा कि जो कारगिल की वॉर हुई थी और जो टाइगर हिल जो विक्रम बत्रा ने कैप्चर की थी, वो सब चीज़ों के बारे में ना वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, बातें लिखी हुई है ऐसी ऐसी जो हमको पता ही नहीं थी। आज जाके पता चली है कितना सैक्रिफाइस, कितना खून पसीना लगा है इंडिया की फ्रीडम के लिए। तो बस यही बोलना चाह रहा था मैं कि एक इमोशनल सा मोमेंट था वहाँ पे अंदर, जो मैं आपको म्यूजियम में दिखा नहीं पाया। जितना मैंने बाहर से दिखाया उतना तो आपको पसंद आया ही होगा, पर लेकिन आप यहाँ पर आओ तो इस जगह को एक बार जरूर विजिट करना, वर्थ विजिटिंग प्लेस। आपको अंदर से घूस बम्स आ जाएंगे, मार्क माय वर्ड्स, आपको अंदर से घूस बम्स आ जाएंगे। अभी हम जो अपना गाड़ी का प्रॉब्लम बताया था ना, तो जो अपना बैकअप व्हीकल में मैकेनिक था, जब तक अपन घूम फिर के आए तब तक उसने अपने गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पता नहीं उसने कैसे टाकी खोली या नीचे से पेट्रोल खोला या क्या खोला, और उसने पेट्रोल फुल कर दिया मेरा। तो अभी फिर रिफ्यूलिंग के लिए मुझे तो रुकना नहीं पड़ेगा, बाकी सबको रुकना पड़े तो पड़े। तो इतने फ्यूल में तो अपन आराम से श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। और आज अपनी लास्ट डे है राइड की। ये जो हिमालयन अपने पास में मिली हुई थी, ये भी अपने पास में आज लास्ट दिन है। इसका हमने कोई नाम नहीं रखा था। मैंने ट्रिप चालू होने के बाद बीच में सोचा कि मैंने इस हिमालयन को भी एक नाम देना चाहिए था जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी इतने दिन से, पर कोई बात नहीं, हमारा थॉर है ना, हमारा वेट कर रहा है घर पे। और पीछे मैंने मेरा टेल बैग भी लगाया नहीं है, तो आज मुझे लास्ट दिन है तो फ्री होके गाड़ी चलाना है।
मतलब जितना भी गाड़ी चलाने का मेरा खेड़ा रहा इन रास्तों पे, इन वादियों में, इन पहाड़ों में, आज पूरा निकालूंगा, पूरा निचोड़ूंगा। थैंक यू फॉर विजिट अगेन टूरिज्म अथॉरिटी कारगिल। यहाँ ख़त्म होता है कारगिल का सफ़र, यहाँ से हम आगे जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। यहाँ पे हो गया परमिट चेक और अब निकलेंगे हमारी बाइकें धुरूँ करते हुए। अरविंद भाई ने आज खूब तगड़ा पेस मेंटेन किया हुआ है क्योंकि हम वॉर मेमोरियल में आधा घंटा लेट हो गए थे। ये इतना अच्छा सा एंट्री बनाया जोजिला पास का प्रोजेक्ट विनायक। वेलकम टू कश्मीर वैली, यू आर एट जोजिला, अल्टीट्यूड 11,649। अभी हमने इतने पासेस कवर कर लिए ना तो ये 11,000 की हाइट पे आके ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ऊपर है हम, पर यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी जो हम डिसेंड करने वाले हैं ये रास्ता अरविंद भाई ने हमको बताया कि थोड़ा सा नैरो है और इसकी जो ढलान है ये स्टीप ढलान है, तो उन्होंने कहा कि पूरा कॉन्वॉय एक साथ चलेगा, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा, स्लो उतरेंगे लेकिन साथ में उतरेंगे। शायद ऐसा लग रहा था कि पेबल्स गिरेंगे, लैंडस्लाइड होगा, पर नहीं हुआ। वहाँ पे पत्थर रुके हुए थे, सरक रहे थे पर रुक गए। और अरविंद भाई ने आगे देखा और डिसीजन लिया कि हम निकल जाते, ही थॉट इट इज सेफ, तो हम निकल गए। देखा ना कितना पतला सा रास्ता है, अरविंद भाई ने यही बोला था, पतला है रास्ता और वैली बहुत डीप है, पूरा कॉन्वॉय इसीलिए साथ में रहने वाला है। ओ माय गॉड लुक एट दिस, हौले हौले जाएंगे, हौले हौले, कोई घाई नहीं, आराम से। ओ माय गॉड लुक एट दैट, देखो नीचे, फक शिट, वैली इतनी डीप है भाई साहब, नीचे देखा एक ही बार। ऊपसी वैली, बाप रे बाप, डेंजर बाबा, डेंजर वैली है। No riding skills, no grips, no nothing. Riding हालू, धीरे, क्योंकि फटू। तो वाली देख के मजा आया, वाली देखी मैंने 2-3 बार, तो ये है। देखते सीधा ऐसा दिल हाट ऐसा मुंह में आता, ऐसा
आई थिंक इन लोगों ने ये जो ब्रिक वाला रास्ता बनाया ना, ये जानबूझ के बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर बाइक ज़्यादा भागती तो है नहीं, भगा तो सकते नहीं हम, और यहाँ पे गाड़ी अगर कोई भगाएगा तो वो डेंजरस हो सकता है, इसीलिए शायद आई थिंक ये रास्ता ऐसा बना है ताकि लोग इस पर धीमी गति से जाए। तो शिट, हिंदी देख रहे हो, धीमी गति से जाए। कॉन्वॉय में से शायद एक या दो बाइक्स बाकी है, पता नहीं, मैंने तो गिनी नहीं, तो लेकिन ये जो नदी बह रही कितनी मस्त लग रही है, ऐसे नदी बहती हुई जा रही है वहाँ से वहाँ से और ऊपर नजर। एक पॉइंट बताऊंगा ना, वहाँ पे रुक जाना तू, है ना, डाइवर्जन के लिए पीछे से यूं करूंगा, वहाँ पे रुक जाना। हाँ, फिर पीछे देखना अपनी दो बाइक आ रही, जब तक मैं इनको छोड़ के वापस आ रहा हूं ना। ठीक है चलो। अरुण भाई ने बोला कहीं पे तो रुकना है मार्शलिंग के लिए। वहां तो क्या ग्रीनरी लग रही है यार, मस्त लग रहा है ना। चलो लेट्स गो, अभी शायद अपना लंच का पॉइंट आसपास में ही कहीं है। टाइम अपडेट 108 किलोमीटर्स डन, 123 किलोमीटर्स डन। ये अपना बाइक का पूरा लाइनअप खड़ा है यहाँ पे, खाना खाने के लिए रुके। टीटी हमारा आया नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ है, ना ही हमारी बैकअप वहीकल आई है। एक बाइक पीछे छूटी हुई है, शायद उसके लिए रुका है बैकअप वहीकल, तो वो बैकअप वहीकल उसी गाड़ी के साथ में आ जाएगा। अपन चलते हैं, खाना वाना ऑर्डर करते हैं और कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। थोड़ा हम लोग किधर धारावी में बैठ के खाना खा रहे हैं, कंजेस्टेड जगह में बैठ के। थाली मंगाई मैंने, राइस पनीर दाल सब्जी वब्जी, ये लोग ने भी मेरा कॉपी कर लिया, भाजी वाजी मंगा ली। एक टेबल पे ये बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे आस्था, हैप्पी बर्थडे। सब थाली कर, सब मेरा कॉपी करके खा रहे हैं। अभी अपन ये खा लेते आचार विचार के साथ, फिर आपको। Alright people, खाना ना खा के डन, बड़ी घाई घाई में निकले हम लोग, क्योंकि अरविंद बोल रहा है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, आगे जाके हमें कहीं रोक दिया जाएगा, और आगे क्या हमें यही रोक दिया गया। ये आर्मी का कुछ तो बेस वेस है, वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है कंटिन्यू। टाइम अपडेट 222 किलोमीटर डन, 123। वेलकम टू श्री अमरनाथ जी पिलग्रिम्स, ये वो जगह है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो अभी काफ़ी डिवोटीज भी हमको दिख रहे हैं जो अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं अपने होटल की तरफ जो श्रीनगर में है। मेरी बाइक को पकड़ के 11 बाइक्स आ चुकी है, 3 बाइक और बाकी है, 12-13-14, टोटल 14 बाइक है ना, 3 बाइक्स बाकी है, तो कहीं वहाँ को ना निकल जाए कोई, इसलिए मैं यहाँ को रुका हूँ। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा को बिछे। ओरे पीपल, टाइम अपडेट 3:59, चार पकड़ो ना। अपन रुके हैं मस्त एक होटल में चाय वाय पीने के लिए, ऐसा कुछ है होटल इधर, यहाँ से व्यू तो देखो यार, क्या बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ से रिवर जा रही है, ये पता नहीं कौन सी रिवर है, पर यहाँ से जा रही है और ऊपर पहाड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। वो ऊपर तक देखो, गजब। टाइम अपडेट 5:41, फाइनली अपन श्रीनगर पहुंच गए। मालूम की हालत थोड़ी खराब है, ये पीछे आउट ऑफ फोकस जा रहा है डल लेक। टोटल किलोमीटर आज का 210। पहले ब्रीफिंग में जाके आते हैं, मार्शल बुला रहे हैं।
फिर आपको बताते हैं हम आज शिकारा राइड भी करने वाले हैं, पर अभी सीन पता नहीं है कि पहले रूम्स में जाएंगे या फिर पहले शिकारा के लिए जाएंगे, जो भी होगा आपको बताएंगे। बोले पीपल ठीक है, शिकारे कार में बैठ गए मिस शशांक भाई एंड मिसेस शशांक, ये दोनों ने राइड पूरा लद्दाख राइड पिलियंस पे किया डबल, हेड्स ऑफ टू दिस टू कपल, ये हमारा कपल ऑफ द ट्रिप है। अभी अपन ने पूरा तो दिखाया नहीं, मैंने कुछ कुछ लोगों से ही मिलाया है, जो जो मेरे साथ मिले उनसे मिला दिया आपको, ये हमारे दोस्त बने मैंने आपको मिला दिया इनसे, ठीक है नो कंप्लेंट्स। अभी शिकारा में आते टाइम मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखो बहुत सारा सामान सर पे भी रख के लाया सामान, इतना सामान वो बाहर भी रखा है सामान मेरा वो भी सामान। अभी अंदर जाएंगे तो अच्छा व्यू आएगा, फिर आपको दिखाएंगे। राइट मेरे आग पे आ रहे बाजार जैसा लेके जाएंगे। गाइस वो देखो पानी के ऊपर रेस्टोरेंट तैरता हुआ, इधर हम खाएंगे चाइनीज। ऑलराइट पीपल से हेलो, से हेलो। शिकारे पे अपन आ गए, 4 girls 3 boys, रूम सिर्फ 3 है, हम एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हम आज रात सोने नहीं वाले हैं, आज होगी पार्टी। चलो पहले आपको मैं हाउस बोट का एक टूर देता हूँ क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। ये देखो ये महाराजा वाली एंट्री, इधर से प्लीज टेक योर शूज ऑफ, इसलिए मैंने पहले निकाल दिया। ये डाइनिंग एरिया, ओ सॉरी लिविंग एरिया, टीवी वीवी, यार ये कार्विंग अच्छी लग रही है ना, पहले रूम टूर देने दो, कोई आवाज नहीं करेगा। वाह यार ये कितना अच्छा लग रहा है यार, इधर फ्रिज है और इधर से ओ माय गॉड, ये देखो ये शायद डाइनिंग माइनिंग का होगा, एंड इधर से चालू होता है ना मेन मुद्दा बेड़ू, ये है पहला रूम, 3 bed, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हुए अगेन बेड फॉर 3 people, मतलब 6 जन का सॉर्टेड। फिर इधर और एक बेडरूम और ये हमारा होगा क्योंकि 7 लोग हैं तो 3-3 करके और 7वां रूम हमारा होगा। हाँ देख रहे हो इधर लाइट कैसे चालू होती है, चलो जा नहीं हो रही, और ये झकास वाला बाथरूम, वाओ विद बाथटब एंड ऑल, बहुत थक गया आज राइड करके, 200-250 किलोमीटर करने के बाद फाइनली अपन श्रीनगर पहुंच गए। ऊपर भी है कुछ, ऊपर भी दिखाते चलो। हाँ ऊपर तो देखो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते इसको हिंदी में, बट एक ही वॉशरूम है क्या पूरे सब सीले, नहीं नहीं इसको इसको बोलते हैं आकृतियां, आकृतियां कमरे की छत पे कलाकारी से आकृतियां बनाई गई है। शिट हिंदी, ओ माय गॉड। पीपल शिकारा राइड के बाद अपना खाना देखो कितना अच्छे से स्पेशली अपने को ट्रीटमेंट मिल रहा है। यस दिस इज हाउस बोट, अभी इसमें कुछ कुछ नॉन वेज वेज वगैरह भी है, टोटली क्या क्या है वो पता नहीं मेरे को, अभी जब खाना लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या खाने वाले हैं और बाकी के किरदार ये जुड़े। ओके पीपल, रोटी चिकन का कबाब और दाल राइस वाल राइस अपन बाद में लेंगे, अभी इन मिटा लेते हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीरी कबाब।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन श्रीनगर।